कमल चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। क्या हाल चाल है आप लोगों का? वैसे मुझे याद है मैं तो ये अपने उस चैनल पे बात नहीं कर रहा है, नया चैनल खोला है। तो क्या हाल चाल है आप सबका? जो जो मुझे चैनल पे देख रहे हैं, ये मैंने अपना सेकंड चैनल स्टार्ट किया है। पहला आप लोगों में से जो लोग देखते हैं उनको आइडिया होगा, जिनको नहीं हुआ है वो इंशाल्लाह देखेंगे तो उनको भी आइडिया हो जाएगा। लेकिन मैं आपके भाई ने सेकंड चैनल स्टार्ट किया है। बेसिकली मकसद क्या है चैनल का जी, के सीट बेल्ट लगा लें पहले एक मेरे को, क्योंकि सीट बेल्ट ने बोलते हैं ना और आपसे बात नहीं हो सकेगी सही तरीके से। चलो जी सीट बेल्ट करो। तो मुक्का ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैं भाई करना चाह रहा था डेली व्लॉगिंग। अब उसमें मैं आपको बताओ शायद कि नहीं बताया कि मेरी मामा का भी चैनल है, उनका भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, बहन का भी है वो भी नीचे डाला होगा और मेरा अपना मेन चैनल भी नीचे शो हो रहा होगा आपको। तो बेसिकली सीन ये है कि जी मैं करता था ऑटोमोटिव व्लॉगिंग। तो सीन इस तरह का हुआ कि मेरा दिल है कि मैं आपको, आप लोग मुझे मैसेज भी काफ़ी करते हो कि अपनी रूटीन के बारे में हमें बताओ, आप डेली व्लॉग्स बनाओ, डेली रूटीन दिखाओ अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह। अब मेरा वो कार्स का कंटेंट है तो उस पर मिक्सअप करता था मैं बीच में व्लॉग्स वगैरह, लेकिन ना वो मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं कहा चलो इसका एक अलग से चैनल स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपसे हो सकता है डेली व्लॉगिंग भी करूँ, आपसे डेली इंटरेक्ट करूँ। तो मेन सीन यही है। और आज का सीन ये है कि आप जैसे टाइटल देखा कि माय फर्स्ट व्लॉग मेरे ख्याल से एक इंट्रोडक्शन ही होगा क्योंकि आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो मुझे इसके थ्रू जानेंगे और नए लोग भी जाहिर सी बात देख रहे होंगे चैनल, पुराने भी जो देख रहे होंगे उनको भी पता ही है मेरा। तो मुझे गाड़ियों का भी शौक है, मैं फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग भी करता हूँ और हमारे सैलॉन्स वगैरह हैं, बिजनेस हमारा बेसिकली ये है। आपको सब कुछ इंशाल्लाह पता लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, वक्त के साथ साथ अगर मैं वीडियोज़ अगर अपलोड करूँगा तो आपको आइडिया होता जाएगा। बाकी जो सीन ये है कि अभी एक तार पकड़ी है वो देख रहे हो पड़ी हुई साइड पर फ़ोन के साथ, तार का रोला ही है कि हमने जो सिविक है ना अपनी, अब देखो फिर सिविक इन्वॉल्व हो ही गई है आज के व्लॉग में भी, क्योंकि अब गाड़ियों से प्यार है, गाड़ियों से प्यार है तो ये सब कुछ चलता ही रहेगा, आपको इस चैनल पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर आपके यहाँ पर डेली व्लॉग्स मिलेंगे, हम थोड़े प्रैंक श्रैंक करेंगे मामा के साथ, पापा के साथ, बहन के साथ, थोड़ा शुगर लगाएंगे इस चैनल पे। तो बेसिकली सीन ये कि अभी तार पकड़ी हुई है तो मैं इसको बांधने जा रहा हूँ, बम्पर हमने उतारा हुआ है, आपने शायद उधर का व्लॉग देखा हो चैनल पे, तो बम्पर उतारा था हमने तो उसके ना जो नीचे से एक शील्ड है वो टच कर दिया तो उसको टाइट करते हैं तार बांध के। तो अभी घर पहुँच गया हूँ और हम उस वक्त रीवों में अपने पहुँचते हैं घर, तार शार बांधते हैं, सभी को लेकर बाहर निकलते हैं, एक दो काम शाम है वो करने हैं, बच्चे साइड पे। इधर हमने एक कैंची का इंतखाब किया और एक वो हमारी वायर का, आपको दिखाता हूँ सीन का जो तंकर है, मैं देखा यहाँ से ख़राब भी हो गया है। तो हमने इसको ये जगह है ना इसको यहाँ करके कहीं बांध देना ऐसे ताकि तंग ना करे, यहाँ से लटकता है इसको ऐसे करके बांध देना ताकि तंग ना करे, कि पहले यहाँ से ख़राब हो ही है, इसको फेंकते हैं और इसका बंदोबस्त करके आपको दिखाते हैं। तो जी बॉयज़ ये वायर हमारी बची है और इससे हमने इसका बंदोबस्त कर दिया है, ये साथ चिपक चुका है, हिलने उलने वाला कोई खास सीन नहीं, हल्का फुल्का हिल रहा है वो तो वैसे ही हिलना है, जब तक बम्पर नहीं लगता, ग्रिप्स नहीं लगती वो तो है ही है। बाकी सभी निकलते हैं तो काम शाम है वो करना है। A few minutes later. तो अभी हम निकले हैं, मेरे साथ कौन है भला, गेस करें। ईमान पूरी नजर नहीं आई, अब आ रही हो। तो सीन ये है कि ईमान मेरे साथ है, अभी हम जा रहे हैं सैलून पे, मामा वहीं पर गई हुई है। तो सैलून पहुंच के वहाँ पे एक शूट है, मॉडल शूट है, मामा ने मेकअप वगैरह किया हुआ है तो बेसिकली उसके कुछ पिक्चर्स वगैरह लेनी है, तो कैमरे का बैग हमारा पीछे पड़ा हुआ है, तो अभी बस जा रहे हैं सैलून पे, ऐसे ही है ना। आप क्या करने जा रही हो? वैसे ही बस वेली नहीं हूं, मेकअप सीखने जा रही हूं। अच्छा बस अभी सैलून जा रहे हैं तो वहाँ पहुँच के जरा शूट वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे पॉसिबल होता है व्लॉग भी कर लेंगे, थोड़ा आपको दिखा देंगे कि क्या सीन है, वरना आपको क्लिप्स अटैच कर देंगे। जी ये देखें शूट चल रहा है। हाँ तो और क्या दिखाना है, मुझे जुहेब ने कहा है दिखाना है, ये शूट हो रहा है और ये जुहेब है और ये शूट कर रहा है। तो हमने कहा हम आपको दिखाएं क्योंकि मैंने आज मेकअप करते हुए तो दिखाया नहीं, थोड़े थोड़े क्लिप्स हैं वो मैं डाल दूंगी बीच में। हाँ जुहेब कितनी देर है इनको बेटा? बिहाइंड द सीन चल रहा है, आपको दिखा रहे हैं हम सब कुछ, कुछ नहीं छुपा रहे। ठीक है समरिया लो यार, तो हम लोग आगे जॉनी जुगनू पे, मामा भी आ गई साथ। मामा क्या, मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने आज शूट किया है और मैंने कहा था कि मैं दिखाऊंगी कि मैं आज शूट कर रही हूँ। व्लॉग नहीं बनाया आपने? हाँ ना बनाना था लेकिन एक तो मामा व्लॉग नहीं बनाती, जाके कमेंट्स करो इनके चैनल पे जाके कि व्लॉग डालें व्लॉग डालें। नहीं मैंने बनाया है लेकिन वो मैं जैसा भी बना मैं डाल दूंगी, बस अब थोड़ा सा मैंने इंटरप्शन। और आप, आपका व्लॉग कहाँ पे है? ये भी सोई हुई है, सारे सोए हुए क्यों है यार? मैं ही फ्रेश हूँ सिर्फ यहाँ पे। आप एवर फ्रेश होते हो 24 घंटे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी खुलेगी तो बात चलेगा।
बाकी हम जॉनी जुगनू पे आए हैं और अभी ऑर्डर किया, ऑर्डर आता आपको दिखाते हैं कि क्या ऑर्डर किया है, क्या सीन है। लो यार ऑर्डर वगैरह आ गया, मामा भी खा रही हैं। कैसा टेस्ट है मामा? अच्छा यार, सही है। छोटा रहा पर से ज़्यादा छोटा हो गया, मोटा बहुत ज़्यादा है बर्गर अंदर से। कबाब, हाँ कबाब अच्छा डाल रहा है। अच्छा नहीं, बहुत मोटा है ये। मज़ा आ रहा है? तो यार खाना वगैरह हमने खा लिया है, ऊपर तक भर गया पेट, फुल हो गया है, बुरा हाल हो गया खा खा के, इतना खा लिया है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया, तो नाश्ता सिर्फ किया हुआ था। लेकिन अब जॉनी जुगनू देखने का भी दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ऐसे ही ना मामा। हाँ, मैं पागल हो रही हूँ मामा को, बुरा हो रहा है। किस बात का सी आ रही है? मैंने तुम्हें फ्राइज आज कॉम्प्लीमेंट्री दिए। फ्राइज दिए कॉम्प, वो देख रहे हैं आप, उठाते हैं जाके सारा पाँव में। और ये बताओ तुमने जो लालच करके वो फ्राइज नीचे गिरा दिए, मेरे पास नहीं रखे, दरवाजे में रखे। क्या हुआ है, क्या हुआ है? मेरे पास नहीं रखे फ्राइज, दरवाजे में रख रहा था। मैं यहाँ रख रहा था कि मैं खाऊंगा, अपने पास रख के। तो यहाँ से स्लिप होके नीचे गिर गए, इनको उठा लेते हैं फिर चलते हैं। और पीछे बैठ के खुद खाती हुई फ्राइज सारे हैं। मैंने कब खाए? अच्छा, मैंने कब खाए? फिर उन्होंने कहीं देख लिया सामने के गिर गए हैं, अगर बाद में गिरते तो मिलते भी ना। और उन्होंने सामने देखा तो उन्होंने कहा चलो इनको और ला देते। इस बात से उनकी सर्विस अच्छी लगी हमें कि उन्होंने साथ ही मंगवा दी है। The next day. सोनाटा में हम लोग आ गए हैं और गाड़ी की डिटेलिंग के लिए जा रहे हैं। गाड़ी के हालात बहुत गंदे हैं। आपको मेन चैनल का नीचे लिंक होगा, उसमें जाके देखो, सारी वीडियोस की होगी। उस अभी हम निकल रहे हैं, आपको वहाँ जाके थोड़े बहुत इस व्लॉग में हाईलाइट्स दिखा दूंगा। बेसिकली हमारा ये जो व्लॉग है ये गाड़ियों के कॉन्टेंट के लिए नहीं है इतना, तो इसमें थोड़ा बहुत दिखाया करेंगे आपको, लेकिन बेसिकली ये व्लॉगिंग चैनल है तो इसलिए आप उस चैनल पर जाके देखो, वो भी वीडियो अपलोड होगी होगी, तो आप वो जाके देखो। अभी हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं और ज़रा जाके स्केच कोटिंग करवाते हैं। पीछे हमारा सामान सून सारा आ गया, कैमरा लैपटॉप, क्योंकि हम एडिटिंग भी करेंगे वहाँ बैठ के, और सारा नीचे गिम्बल वगैरह भी आ गया। तो वैसे भी निकलते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, आपसे वहाँ पहुँच के मिलते हैं। Ten hours later. तो यार गाड़ी वगैरह हमारी सिरेमिक कोट हो गई है, वैसे रिजल्ट्स बड़े मज़े के आए हैं, बहुत आला हो गया। हाँ हाँ, बोनेट भी पीक हो गया। बाकी आप शाइन चेक कर सकते हो, कितने मजे की आई है इस पे। ग्लॉस गाड़ी का जो है ना वो जेन्युइन से भी ज्यादा आ गया है। हाँ, ग्रेफाइन कोटिंग वेदर के मुताबिक कोटिंग है, और पीपीएफ भी वो है जो पाकिस्तानी वेदर के मुताबिक है। बड़ा मजे का है। हाँ, शाइन आउटस्टैंडिंग है, ऊपर से पीपीएफ हो गया है बोनेट, तो वो तो नेक्स्ट लेवल सीन ही हो गया। तो यार आपने आज का सीन देखा ही है, आपको मैं इस चैनल पे गाड़ियों का स्टफ कम ही दिखाऊंगा, वो आप उस पे जाके देखोगे। इस पे ज़रा रूटीन होगी, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दी कि आज की रूटीन क्या थी, क्योंकि रूटीन जो भी होगी मैं आपको दिखानी है। अब वो गाड़ियाँ होगी या कुछ हो गया, मोस्टली गाड़ियाँ होती हैं रूटीन में, हम और चीज़ें भी मिक्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी जो है ना व्लॉग मैं गाड़ियों के अलग टाइमिंग से बनाता हूँ, रूटीन में मेरा और भी बड़ा कुछ हो रहा था मैं दिखाता नहीं, तो अब वो भी दिखाएंगे आपको इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरे मेन चैनल पर इसकी जो सिरेमिक कोटिंग का जो मेन ब्लॉग है वो मेरे मेन चैनल पे होगा, वो जाके देख लो, उस पर सारे रिजल्ट्स इसकी जो कोटिंग वगैरह के हैं वो आ रहे हैं। अभी तो मैंने सबको सिर्फ एक ना समरी से दिखाई है चैनल पे, तो उस पर जाकर देखो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर उसको सब्सक्राइब कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक इतना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।